हेलो दोस्तों, राम राम। मैं अभी मार्केट घूम के आई हूँ, तो ये देखो मैं लिमका लेके आई हूँ। अभी इसमें से मैंने थोड़ी सी पी ली है क्योंकि मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही थी इसलिए। तो ये 1 किलो आम लेके आई हूँ मैं आपको बताऊँ। और यहाँ पे आम का रेट क्या है वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे 100 रुपये किलो आम दिए हैं। आप ये देखो दोस्तों कितनी मतलब यहाँ पे महंगाई है, आप ये देखो। और हमारे यहाँ पे हरियाणा में ना 100 के 5 किलो आम आ जाते हैं, मतलब 20 रुपये किलो, और यहाँ पे 100 के 1 किलो आम आए हैं। आप ये देखो कितनी महंगाई है यहाँ पे। तो चलो ठीक है दोस्तों, अब गर्मी बहुत हो रही है तो मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ, फिर बाद में करती हूँ आपसे बात। मैं जा रही हूँ किचन में। हेलो दोस्तों, आम लेने के बाद मुझे दोबारा जाना पड़ा मार्केट। ये देखो मेरा कुछ सामान ख़त्म हो गया था तो वो लेके आई हूँ मैं अभी, आप देख सकते हो। और मेरे पे ना बार बार सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जाता तो मेरे हो गई है थकावट, अभी थकावट बहुत हो गई है मेरे। बाहर इतनी गर्मी है कि गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो गई, मेरे पे पैदल नहीं चला जाता। दूसरी बात, ये सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है मेरे को। मेरा ना इस हार में आपको पता है कि नीचे वाला रूम है, ऊपर वाला रूम मेरे को पसंद नहीं है। ऊपर चढ़ते चढ़ते यार सांस फूल जाता है मेरा तो नीचे मेरी मकान मालिक नहीं रहती है और ऊपर मैं रहती हूँ। तो सच बताऊँ बहुत थक गई। आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। ये बाथरूम में मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था तो वो लेके आई हूँ। पहले मैं सारा सामान रख के गई थी तो मेरी जो फ्रेंड है ना, लगता है उसने ख़त्म कर दिया। बहुत कंजूस है वो, आपको मिलवाऊंगी अपनी फ्रेंड से, अभी आई नहीं है वो इसलिए। तो एक तो मैं शैम्पू लेके आई हूँ अपने बाथरूम के लिए, दूसरी चीज साबुन, एक ये वाला है लक्स और एक नंबर वन है, दो साबुन है और सरफ के पैकेट है 10-10 वाले। ये देखो मतलब 2-3-4-5 लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं ना वो गंदे हो चुके हैं तो कपड़े धो के डालूँगी। और ये है मतलब रात में लगाने वाला जेल, ये एलोवेरा जेल है। तो इससे लगाने से क्या फ़ायदा है मैं आपको वो बताती हूँ। ये दूसरा है, आप ये गौर से देखो, ये ना हर दुकान पे नहीं मिलता, ये एक पार्लर वाली मैडम है उन्होंने दिया है मुझे, तो वहाँ से लेकर आई हूँ मैं ये। इसको लगाने से ना फेस पे दाने नहीं आते, जैसे मेरा मॉडलिंग का काम है ना तो आपने देखा होगा कि मेकअप वगैरह करना पड़ता है, तो मेरे ना मेकअप सूट नहीं करता आपको बताऊँ, तो इसलिए मैं ना फेस पे कुछ नहीं लगाती। तो वो मैडम ने बोला कि आप ये रात को ना एलोवेरा जेल लगा लेना, इससे क्या है आपके फेस पे दाने नहीं आएंगे। आपको इसका रेट बता देती हूँ कितना है। ये देखो इसका रेट ना 350 है, मतलब 340 रुपये रेट है इसका। और इसके साथ में दिया है उन्होंने ये है जो हम फेस पे लगाते हैं ना, इसको फेस पैक पाउडर, हाँ इस पे लिखा हुआ है फेस पैक पाउडर, ये लगाना है हमें गुलाब जल के साथ। और इसका रेट बता देती हूँ मैं आपको कितना है, इसका है 260। ये देखो दिख गया ना, इसका 260 रुपये रेट है। और मेरे ना आपको बताऊँ, मेरे ना बाल बहुत झड़ रहे थे, पता नहीं क्यों, या तो फिर ऐसे झड़ते हैं जैसे मैं बार बार जैसे चेंज होता है ना पानी, जैसे मान लो 10 दिन मैं हिसार रह ली, 4 दिन करनाल रह ली, 5 दिन मौसी के पास रहती हूँ, इस तरीके से क्या है कि पानी चेंज होता है अलग अलग शहर का, तो इस वजह से ना मेरे बालों में ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, या तो मतलब शैम्पू सूट नहीं कर रहा है या फिर मतलब एक तो ये बात होती है, जैसे मैं ना अलग अलग शैम्पू लगा लेती हूँ, जो मिल गया ना वही लगा लेती हूँ मैं, कभी क्लिनिक प्लस से धो लेती हूँ सिर, कभी डव शैम्पू से, कभी पेंटिन से, कभी मतलब जो भी मिल जाए उसी से सिर धो लेती हूँ। तो वैसे ज़्यादा करके मैं आपको बताऊँ ये वाला शैम्पू यूज करती हूँ मैं लोरियल का, ये मेरे बालों को बहुत बेस्ट है, मतलब इससे क्या है मेरे बाल भी नहीं झड़ते और बढ़िया शैम्पू है ये, तो मैं ज़्यादा करके यही शैम्पू यूज करती हूँ। अगर नहीं मिलता बाई चांस जब मैं कोई दूसरा शैम्पू लगाती हूँ, तो मैंने उसको मेडिकल वाले भैया को बोला कि भैया मेरे ना बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो भैया ने बोला कि आप ऑयल लगाते हो, मैंने बोला नहीं मैं तो ऑयल लगाती ही नहीं हूँ, तो वो बोला फिर तो बाल झड़ेंगे ही, मैंने क्यों, तो बोला कि बाल इसलिए झड़ते हैं अगर हम मतलब बालों में ऑयल नहीं लगाएंगे तो बाल रूखे रूखे हो जाते हैं इसलिए बाल झड़ते हैं। तो कह रहे जैसे हम पौधा लगाते हैं तो पौधे में पानी डालते हैं ना, इस तरीके से ही बालों की जड़ों में थोड़ा बहुत तेल डालो, हफ्ते में डालो चाहे,
मैंने कहा ठीक है, मैं सच बताऊं मैं कभी ऑयल लगाती नहीं हूँ, मैं बालों में कभी ऑयल नहीं लगाती, क्योंकि मैंने अपने बाल पहले स्मूथनिंग करवा रखे थे, तो अब देखो 1 साल तक चलती है वो चीज़, तो 1 साल से मैं अपने बालों की केयर ही नहीं कर रही हूँ, ना तो मैंने स्मूथनिंग करवाई, ना कुछ, ना मैं ऑयल लगाती, और बस मैं शैम्पू शैम्पू यूज करती हूँ, कुछ भी नहीं यूज करती, तो इस वजह से मेरे बाल खराब हो गए, इसलिए झड़ने लग गए। तो फिर उसने मेरे को ना ये वाला ऑयल दिया है, तो उसने बोला है ये रात को लगाना है आपको, हफ्ते में 2 बार, जब आप सिर धोए ना तो रात को लगा के सो जाना। तो फिर मैं ये वाला तेल लेके आई हूँ, तो आपको बताती हूँ इसका रेट क्या है। इसका रेट है 419 रुपये, ये देखो इसका 419 रुपये है। जो इसका शैम्पू था वो था 900, मतलब इससे महंगा था शैम्पू, शायद 900 ऐसे कुछ था या 690, इस तरीके से शैम्पू का रेट था, 700 रुपये का, हाँ सॉरी 700 रुपये का शैम्पू था। तो वो बोला कि शैम्पू और ये दोनों ही यूज करो, तो मैंने बोला कि भैया मैं तो जो शैम्पू लगाती हूँ ना मैं तो वो यूज करूंगी, तो मैं तो दोस्तों लोरियल शैम्पू यूज करती हूँ, मैं तो यही लगाती हूँ। तो ये देखो दोस्तों इतना सा सामान लेके आई हूँ और उसमें इतना बजट खर्च हो गया मेरा, मतलब ये देख लो, मतलब ज्यादा सामान भी नहीं आया, और रोज के मतलब 2-3 हज़ार रुपये तो ऐसे जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, 2-3 हज़ार रुपये मेरे रोज डेली खर्च होते हैं, रोज डेली। इतनी महंगाई कर रखी है कि इतनी तो हमारे हिसार में नहीं है, और ज्यादा करके चंडीगढ़ में तो हर चीज महंगी मिल रही है, हर चीज, यहाँ तो रूम का रेंट भी इतना मतलब महंगा, खाने पीने की चीज भी इतनी महंगी, मतलब जैसे मेकअप का सामान लो तो इतना महंगा, और अगर हम जैसे ये शैम्पू वगैरह लेते हैं ना तो यहाँ पे भी मतलब इतनी महंगी चीज हो रही है, जैसे यहाँ तो चलो रेट के हिसाब से, लेकिन हमारे हिसार में क्या होता है कि रेट के हिसाब से नहीं देते, वो ना डिस्काउंट करके देते हैं, मान लो अगर 400 की चीज है ना तो वो 480 की लगाएंगे, 20 रुपये का फायदा करते हैं वो हमारा। तो ये देख लो दोस्तों यहाँ तो मतलब ऊपर से पैसे लेते ही हैं, चलो जो भी है मतलब पर लेना तो पड़ेगा ही ना, कहीं भी जाओ देखो अब जो चीज खत्म हो जाती है तो वो तो लेके आनी पड़ेगी। तो ये देखो मैं आपको ये बता रही हूँ कि चंडीगढ़ में काफी महंगा ही है, और बाकी इतनी हमारे सार में नहीं है। तो गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों, मैं अब कूलर चला लेती हूँ, मैं जब भी आपसे बात करती हूँ ना जब कूलर बंद कर देती हूँ, वो भी क्यों, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, इसलिए मैं कूलर बंद कर देती हूँ। और नहीं आप देख सकते हो मेरे घर में कूलर है, पंखा है, कितना अच्छा रूम सजा रखा है मैंने, ये देखो, और कूलर भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं क्यों नहीं चलाती हूँ, जब आपसे बात करती हूँ ना तो वो पंखे की आवाज आती है बहुत तेज है, और कूलर की भी आवाज आती है, फिर आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई नहीं देगी, इसीलिए मैं सोचती हूँ जब जब भी मतलब मैं आपसे बात करती हूँ ना तो उस टाइम बंद कर देती हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, अब तक की वीडियो यहीं पर दी एंड करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर करें, और अपना खूब सारा ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब मैं कूलर चला लेती हूँ, थोड़ी सी हवा खा लूँ, वहां से बंद कर रखा है शायद मैंने। ये देखो कूलर की आवाज आ रही है ना बहुत तेज, इसीलिए मैं जब आपसे बात करती हूँ ना दोस्तों इसीलिए मैं कूलर बंद कर देती हूँ, जिससे आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।